एमएम के ट्रैवल सर्विसेज की जानिब से लगातार उमरा ग्रुप रवाना हो रहे हैं और हाल ही में 7 अक्टूबर को 2 ग्रुप रवाना हुए थे जिसके जरिए कुल 85 अफराद उमरा की शहादत हासिल किए हैं। आपको बता दूं एमएम के ट्रैवल सर्विसेज अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की एक शाख है जिसके जरिए आपके लिए काफ़ी कम कीमत में बढ़िया सर्विस के साथ बजट पैकेज तैयार किए जाते हैं। 7 अक्टूबर को हाफिज़ खारी मीर आमिर अली खान और मीर मुतहर अली खान की रहबरी में 2 ग्रुप रवाना हुए थे। इस ग्रुप के जरिए उमरा की शहादत हासिल कर वापस लौटे लोगों ने अपने अच्छे तासुरात पेश किए हैं जिसके वीडियो आपको एमएम के ट्रैवल्स के नाम से इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पेज पर मिलेंगे। इसके बाद अब अगला ग्रुप 9 दिसंबर को रवाना होने जा रहा है जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं एक बजट पैकेज के जरिए उमरा रवाना होने के तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप गुलबर्गा मुस्लिम चौक सालेहन मस्जिद कॉम्प्लेक्स में मौजूद एमएम के ट्रैवल सर्विसेज को विजिट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह एमएम के ट्रैवल सर्विसेज गुलबर्गा जो यूनिट है अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा का, अल्हम्दुलिल्लाह इसका ग्रुप 7 अक्टूबर 2024 को 2 बड़े काफिले उमरे के लिए रवाना हुए थे जिसकी रहबरी हाफिज़ बुखारी मीर आमिर अली ख़ान साहब और मीर मुतहर अली ख़ान कर रहे थे जिसमें तकरीबन 85 अफराद थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप कामयाब अपना सफ़र करके अपने अपने मुकाम पर वापस पहुंच गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र के अंदर शहर गुलबर्गा के बहुत सारे अहबाब मौजूद थे। तमाम अहबाब ने हर तरीके से इत्मीनान का इजहार फरमाया और उन तमाम लोगों के फीडबैक वगैरह भी लिए गए और एमएम के ट्रैवल्स का जो पेज है उस पर अपलोड किया गया। इंशाल्लाह जो हमारा अगला काफिला है 9 दिसंबर को रवाना होगा जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप इन नंबरात पर कांटेक्ट कर अपना बुकिंग भी करवा सकते हैं या हमारी ऑफिस जो मस्जिद सालेहीन पर है वहाँ पर आकर भी आप रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे भी और ट्रैवल्स हैं जो 60,000-65,000 में लेके जा रहे हैं, 80,000 में लेके जा रहे हैं, वो लोग की सर्विस नहीं है। वैसी जगह जाके आप लोग का टाइम खराब, उल्टा यहाँ पे इबादत करने आके उल्टा वो लोग को ट्रैवल्स वाले को गुस्से में आना, गाली देना। 9 नंबर है अल सईद की जानी अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानी से आप लोग 85 मेंबर्स में किसी का भी एक भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक भी तकलीफ नहीं मेरे की कुछ बात है। अलहमदिल्ला फर्स्ट क्लास होटल्स है, फर्स्ट क्लास खाने का बंदोबस्त है, फर्स्ट क्लास लॉन्ड्री अच्छी है और गाइड अच्छे हैं यहाँ के लोकल की गाइड भी जो मोहम्मद मुतहर अली खान साहब उनके साथ हमारा सफ़र जो है अलहमदिल्ला बहुत अच्छे से रहा। मक्का मुकरमा में उमरा और तवाफ और साथ में तमाम जो मस्जिद ज़ियारतें और तीन उमरे भी हो गए, तायब जोराना और मस्जिद आयशा और अरावल का मिला के 4 उमरे हुए अल्लाह के फजल करम से। और बेहतरीन खाने का इंतज़ाम था और खाना जो है कोई शिकायत का मौका नहीं रहा। बहुत ही बहुत अच्छा सफर रहा। और ये बात नहीं करना चाहता हूँ कि सफ़र के दौरान ताइफ भाई जो है ना हमको हर चीज़ के बारे में बताते गए, हर चीज़ के बारे में पूछते गए, बोलो भाई क्या तकलीफ है तुमको, क्या है वो बुकिंग। बहुत अच्छा हमको कॉपरेट कर चीज़ से अगला बहुत अच्छा सफ़र रहा और पूरे उम्रे हो गए हमारे, 4 उम्र हो गए हमारे और अलहमदिल्ला यहाँ पर रहने का होटल बहुत करीब है, बहुत करीब है। अलहमदिल्ला बहुत अच्छा सफ़र रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सीए मोहम्मद इनामुल्लाह गुलबर्गा से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। मुद्दबिर भाई से ताल्लुकात थे हमारे, मुलाकात थी अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स उनके थ्रू, एमएमके ट्रैवल्स जो उनका सब यूनिट है, उमरा के लिए आए थे। 15 दिन का ये ट्रिप था हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अच्छा हो गया। और जो हमारे रहनुमा थे इस ग्रुप के 85 लोगों का जो हमारा ग्रुप है, उनके जो रहनुमा हमारे जो अमीर थे जिनका नाम भी आमिर अली खान साहब है और उनके भतीजे मुताहिर खान साहब, बहुत अच्छे से इंतज़ाम करें रहने का खाने का और पूरा ज़ियारतें वगैरह जितने भी तफसील से बताएं। और जो भी मौलिन सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स दोनों का बहुत सारे खिदमत मक्का और मदीना में बहुत अच्छे थे, खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था और तमाम ज़ियारतें कराए हैं, अच्छे से अच्छे ज़ियारतें हुए हैं और बस का सफ़र तमाम चीज़ें जितने भी खिदमत हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे थे, कोई शिकायत नहीं है। तो और हम किसी और को भी बोलना चाहें तो ये सजेस्ट कर सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं आराम से, हर चीज़ की सहूलत है, खाना तो इतना अच्छा है ऐसा महसूस होता है कि घर में खा रहे हैं, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं हो।